हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम हिमांशु है तो उन्होंने मेरे साथ कुछ एमसीक्यूज कुछ क्वेश्चंस मेरे से रिक्वेस्ट किए थे दिखाए थे मुझे कि सर इन क्वेश्चंस का प्लीज मुझे आंसर बताएं तो वहां पर मैंने देखा कि एक क्वेश्चन था जो कि टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियन के ऊपर था तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको उनको तो चलो मैंने आंसर वहां पे बता दिया बट बत मैंने उनको वो भी कहा कि मैं आपको ये पूरा टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो कई बार वो टॉपिक से और भी कई क्वेश्चन हमें आ सकता है सो दैट इज द रीजन वाई आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे दैट इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियन ट्रेड यूनियन के ऊपर पहले भी मैंने कुछ लेक्चर्स डाले हैं वो भी आप देख सकते हैं लेट्स बिगिन सबसे पहला क्वेश्चन उठता है दैट ट्रेड यूनियन सो द को पर्प ऑफ ट्रेड यूनियन इज to represent and protect the interest of its member, right? So most of the employees or most of the laborers who are working in an organization, they join a trade union. And why do they join these trade unions? Because they want to Get protected from the harassment by the management. And that is what the core purpose is. So it is there to protect the economical, political and social interest of all the members who are part of trade union. So that is the first agenda and the most important one by the trade union. The principal aim is to negotiate with the employer over pay, job security, working hours, etc. Putting the collective power of all the members to the best advantage. So the whole idea, the whole purpose of trade union is that is to negotiate with the management. That means whatever management. So whenever the employees or the, or the members of trade union are not happy with the move of management, then, then the trade union comes into picture and they try to negotiate with the employer and try to make sure that the interest should be protected of all its member. That is what the purpose of trade union. So what are the various types of trade union we have? The first is called as craft union. The second one is called as industrial union. The third one is called as general union. The fourth one is called as labor union. The fifth one is called blue collar worker union. Sixth one is called white collar unions. And next is called reformist union. And the last one is called friendly or uplift union. So these are the eight different types of union. Let's discuss one by one. So let's talk about the craft union first. So the workers belonging to the same craft, specialized skill, or same occupation. कैन फॉर्म देअर ट्रेड यूनियन इेस्पेक्टिव ऑफ देयर इंटरेस्ट और ट्रेड देर इम्प्लॉइड अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें समझनी है वो ये समझनी है कि नाम में क्या है देखिए क्राफ्ट क्राफ्ट का मतलब क्या है कि जिस भी चीज में आप स्पेशलाइज करते हैं जो भी आपका ऑक्युपेशन है कोई एग्जाम्पल कोई कारपेंटर है कोई पेंटर है कोई मान लीजिए टेक्सटाइल का वर्कर है तो कहने का मतलब क्या किसी पर्टिकुलर चीज में आप स्पेशलाइज करते होंगे तो उस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन के ऊपर बेस्ड होता है क्राफ्ट यूनियन ये हमेशा याद रखिएगा उस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन के लोग ही क्राफ्ट यूनियन को ज्वाइन करते हैं जैसे एग्जांपल मैकेनिस्ट जो है वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज के दे कैन फॉर्म अ यूनियन ऑफ मैकेनिस्ट ऑब्वियसली वो मैकेनिस्ट जितने भी है वो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में काम करते हो लेकिन वो इकट्ठे होकर एक यूनियन बना सकते हैं

एंड द मेन ड्रॉबैक ऑफ दिस यूनियन इसका ड्रॉबैक क्या है दैट ड्यूरिंग स्ट्राइक इन द क्राफ्टन द इंटायर वर्किंग ऑफ द इंडस्ट्री पैरालाइज बिकॉज द वर्कर ऑफ दिस यूनियन केन नॉट भी इजिली रिप्लेस बाय अदर वर्कर अब यहां पर एक पॉइंट क्या याद रखनी है कि ज्यादातर केसेज में क्या होता है जब भी कोई स्ट्राइक होती है या कोई घेराव होता है तो कंपनीज क्या करती है वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर बुला लेती है और कॉन्ट्रैक्ट लेबर से काम कराने लगती है बट यहां पर अगर कोई भी इस तरह का इश्यू आएगा तो आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर को नहीं बुला सकते बिकॉज स्पेशलाइज्ड लोग हैं जब आपके पास गिने चुने लोग हैं दो स्पेशलाइज इन दैट स्किल तो वहां पर आपको नई रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगी या अच्छी रिप्लेसमेंट आपको नहीं मिलेगी सो दिस इज कॉल्ड क्राफ्ट यूनियन टॉक अबाउट द सेकंड वन एंड दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्री यूनियन अब इंडस्ट्री यूनियन में क्या होता है द वर्कर्स ऑन द बेसिस ऑफ इंडस्ट्री कैन फॉर्म देयर यूनियन इर रिस्पेक्टिव ऑफ देयर क्राफ्ट अब पिछले वाला स्पेशलाइजेशन के ऊपर बेस था इस बार हम क्या करेंगे सेम इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग वो एक यूनियन बना सकते हैं फॉर एग्जाम्पल कोई टेलीकॉम में काम कर रहा है तो वो उसका बना सकता है कोई टेक्सटाइल में काम कर रहा है तो वो उसका बना सकता है कोई कोल फील्ड में काम कर रहे हैं तो वो उसका बना सकते हैं तो कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लोग जब इकट्ठे होकर एक यूनियन बनाते हैं दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्री यूनियन फॉर workforce इफ द cement industry decide ऑफ द सीमेंट इंडस्ट्री डिसाइड टू the ऑफ द different ऑफ डिफरेंट union इज कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल यूनियन ये बहुत अच्छा example है दैट अगर आप सीमेंट की कंपनी है सीमेंट की पूरे इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनीज आती है अगर वो सारे worker irrespective of ऑफ देयर क्राफ्ट उनका क्राफ्ट कुछ भी है किसी भी चीज में वो स्पेशलाइज करते हो लेकिन वो अगर इकट्ठे हो जाए और एक यूनियन फॉर्म कर दे सो दैट इज कॉल्ड योर इंडस्ट्री यूनियन

कि जितने भी वर्कर होते हैं क्योंकि एक इंडस्ट्री के सारे वर्कर मिलकर एक यूनियन बना रहे हैं तो उनकी जो पावर होगी वो काफी हाई होगी दे हैव अ स्ट्रॉग बार्गेनिंग पावर दे कैन नेगोशिएट विद द मैनेजमेंट दैट्स द बिगेस्ट बेनिफिट एंड मोर इंपॉर्टेंटली दे कैन जस्ट कवर ऑल द आस्पेक्ट्स इन अ सिंगल एग्रीमेंट वो एक सिंगल एग्रीमेंट बनाकर अपनी सारी बातों को मनवा सकते हैं इर ऑफ क्राफ्ट इर ऑफ पोजिशन इन सब चीजों को आप एक साइड पे कर दें द मेजर ड्रॉबैक ऑफ दिस टाइप ऑफ यूनियन इज द स्किल्ड वर्कर

स्किल्ड वर्कर है वो ये मानता है कि अनस्किल्ड वर्कर जो है वो अपनी बातों को सही तरह से सामने रख नहीं रहेन ऑफ द रीजन वाई इंडस्ट्री वेरी डिफिकल्टेरी जनरल यूनियन अब जनरल यूनियन क्या होता है दिस टाइप ऑफ इज ओपन टू ऑल मेंटिकुलर सिटी और रीजन अब यहाँ पर सिटी या रीजन के हिसाब से बनता है ठीक है फॉर एग्जाम्पल की कोई चंडीगढ़ में कोई कंपनी है तो चंडीगढ़ में कि एक एक यूनियन बना लिया तो दैट इज कॉल्ड योर अ पर्टिकुलर यूनियन दैट इज फोकस्ड ऑन अ पर्टिकुलर सिटी और रीजन इसमें कोई भी मेंबर हो सकता है इंडस्ट्री के भी लोग हो सकते हैं इसमें आपके डिफरेंट क्राफ्ट के भी लोग हो सकते हैं तो एक जनरल यूनियन है ठीक है कोई स्पेसिफिक यूनियन ये नहीं होता एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे जमशेदपुर लेबर यूनियन है तो उसके मेंबर कोई भी हो सकता है जो जमशेदपुर में काम कर रहा है राइट इर रिस्पेक्टिव ऑफ देयर इंडस्ट्री एंड इनरेस्पेक्टिव ऑफ देयर क्राफ्ट जमशेदपुर में अगर आप रह रहे हैं वहां पे किसी भी जगह काम कर रहे हैं तो आप जनरल यूनियन का हिस्सा हो सकते हैं राइट right?

एंड कॉमन नीड फॉर अ म्यूचुअल हेल्प अब जनरली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के विदिन जो यूनियंस बनते हैं दो आर कॉल्ड लेबर यूनियन उसको हम ज्यादातर लेबर यूनियन कहते हैं फॉर कंपनी वर्धमान वर्धमान में टेक्सटाइल के बहुत सारे वर्कर्स होंगे तो वहां पर जब उनके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं अगर वो लोग कोई यूनियन बना लेते हैं तो दैट यूनियन विल बी कॉल्ड एज अ पर्टिकुलर लेबर यूनियन अब इसमें क्या चीजें खास होती हैं? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वर्कर हैज अ कॉमन स्टेटस जितने भी वर्कर है वो सब इक्वल है उनका कॉमन स्टेटस है एंड मोस्ट आर फॉर्म फॉर अ कॉमन नीड किसी पर्टिकुलर इशू को लेकर के बनाए जाते हैं राइट

प्रोडक्शन में काम करते हैं तो उनकी वजह से कहीं ना कहीं ये यूनियन जो होते हैं इस, इसी वजह से इन यूनियंस में आपको ज्यादा अच्छी यूनिटी देखने को मिलती है क्योंकि सभी लोग एक ही लेवल पे काम कर रहे होते हैं उनके इश्यूज भी काफी कॉमन होते हैं एक बात यहाँ पे जरूर ध्यान रखिएगा कि ये जो यूनियंस होते हैं ये काफी ओवरलैपिंग हो सकते हैं इस बात का ध्यान रखिएगा फॉर एग्जाम्पल की हो सकता है कि जो क्राफ्टमैन यूनियन है क्राफ्ट यूनियन है वो ब्लू कॉलर यूनियन भी हो सकता है तो कहने का मतलब एक दूसरे से थोड़ा ओवरलैप भी कर सकते हैं बट ये इंपॉर्टेंट है कि आप इस टर्म को अच्छे से समझ लें कि भाई ये चीज क्या होती है नेक्स्ट वी हैव इज ब्लू कॉलर यूनियन बल्क ऑफ मेंस इन द ऑर्गनाइज सेक्टर अब ज्यादातर जितने भी ट्रेड यूनियंस होते हैं वो ज्यादातर ब्लू कॉलर यूनियंस ही होते हैं क्योंकि ज्यादातर उसमें जो है वो आपका लेबर या वर्कर क्लास के जो लोग होते हैंजमेंट के जो लोग होते हैं दे आर दीपल हुर मोस्ट अट्रैक्टेड टू ट्रेड यूनियंस और उन्हीं को ऐसा लगता रहता है कि शायद ट्रेड यूनियन हमारी हेल्प करेगा चाहे किसी भी तरह के मैनेजमेंट इश्यूज जब आते हैं तो नेक्स्ट इज कॉल्ड व्हाइट कॉलर यूनियंस अब व्हाइट कॉलर यूनियंस क्या होते हैं कई बार इनका डिफरेंस आ जाता है सच यूनियन यूजुअली कंप्राइज ऑफिस स्टाफ और हु वर्क फॉर हु वर्क ऑफ द शॉप फ्लोर एंड परफॉर्म डेस्क जॉब एंड प्रोवाइड सर्विस ओवर द काउंटर अब ज्यादातर व्हाइट कॉलर में कौन कौन से जॉब्स आते हैं जो लोग ऑफिस के स्टाफ हैं डेस्क के जॉब्स हैं चाहे लोग सर्विस काउंटर प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विस किसी का। तो काउंटर पे बैठते हैं जो ऑफ द फ्लोर काम करते हैं मतलब ऐसा प्रोडक्शन प्रोडक्शन में वो लोग नहीं है मोर इंटू सर्विस जैसे इसमें कौन कौन से हो सकते हैं पीपल आर कॉन बी एक्टिव मैनेजर्स प्रोफेशनल्स एडमिनिस्ट्रेटर सुपरवाइजर क्लर्क कोई भी इनमें सारी कैटेगरीज ये सब व्हाइट कॉलर जॉब्स का पार्ट है ठीक है मैंने टाइप्स ऑफ जॉब के ऊपर भी एक लेक्चर बनाया हुआ वो भी आप चाहो तो देख सकते अब इसमें एक और कौन कौन से सेक्टर्स को हम इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं लाइक बैंकिंग सेक्टर सर्विस सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी बीपीओ सॉफ्टवेयर कंपनी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट कंपनीज ये जितने भी हैं उन सभी में वाइट कॉलर यूनियंस होते हैं जो काफी स्किल्ड होते हैं पढ़े लिखे होते हैं दे आर एजुकेटेड एंड मच्योड एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे अंडरस्टैंड ऑर्गेनाइजेशन इन एंड आउट एंड दैट इज वाई दे ऑलवेज क्रिएट दिस चार्टर ऑफ डिमांड्स एंड दैट टू आर वेरी रीजनेबल इन नेचर तो इनको सब कुछ पता होता है भाई कि अंदर बाहर क्या है और उसी हिसाब से अपनी बात को मनवाने में पूरी होशियारी रखते हैं Let's talk about the seventh one and that is called reforming union. Now reforming has some categories like for example first one is called business union. A business union they are also called as bread and butter union and aiming to secure economic interest of their members and following the methods of collective To their अब क्या होते हैं मान लीजिए कि मेरी एक कंपनी है एक्स कंपनी और मेरे जैसी ही XYZ, ABC, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं तो हम सभी कंपनीज ने मिलकर एक अपना एक यूनियन बना लिया वो यूनियन इसलिए बना लिया ताकि हम एक दूसरे के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बचाए रख सके अपने को गवर्नमेंट से प्रोटेक्ट कर सके अपने को और भी कई तरह का इश्यूज आते रहते हैं तो उससे अपने आप को बचा सके कल को किसी को का आ जाए तो वह यूनियन आपकी हेल्प कर सकता है तो इस तरह की काफी सारी चीजें जो है वो बिजनेस यूनियन के थ्रू की जाती हैं

Let's talk about the last one and that is called friendly or uplift union. A friendly or uplift union के बारे में बात कर लेते हैं. So these unions mainly aim to improve the intellectual, moral and social life of all the members. अब ये जो unions होते हैं, इनका काम ये नहीं होता कि ये आपको सिर्फ मैनेजमेंट uh, से बचाएं या किसी भी तरह का आपको ये कुछ ऐसे भी यूनियंस होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं मॉरली सपोर्ट करते हैं सोशल लाइफ में आपको सपोर्ट करते हैं कई बार आपको इंटेलेक्चुअली आपके नॉलेज को बढ़ाते हैं तो इस तरह के यूनियंस भी काफी सारे एग्जिस्ट करते हैं दीज यूनियंस आर नॉट क्राफ्ट कॉन्शियस दे आदर फोकस ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स ऑब्वियसली बात है ये किसी पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में नहीं होते देर वेरी जनरल इन नेचर बट एट द सेम टाइम ये सभी वर्कर्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके अपना काम करते हैं they are idealistic in nature since they are law abiding and they believe in the institution of collective bargaining and setting up cooperative enterprises mutual insurance profit sharing and etc ab generally jo unka kaam hota hai wo ye hota hai ki ye koi kisi bhi tarah ka strike ya revolutionary kaam nahi karte ye mutually or collective bargaining se management se baat karne mein believe karte hain at the same time ye mutually एक दूसरे को insure भी करते हैं at the same time the कॉपरेट enterprises भी establish करते हैं just to support all the members which they have. तो so, I hope आपको ये सारा topic समझ में आ गया हो Types of trade union क्या होते हैं आपके वोट्स देखे थे. आप में से बहुत सारे वोट्स ने मेरे को कहा कि आप मेरे लेक्चर का वेट करते हैं थैंक यू सो मच आई होप कि मैं अपने रूटीन को और अच्छे से फॉलो uh, करू और आपके लिए बेहतरीन वीडियो आने वाले समय में लेकर आऊँ तब तक के लिए गुड बाय और अगर ये वीडियो एक बार में समझ में नहीं आए तो बार बार देखो हजार बार देखो विल मीट इन द नेक्स्ट से बाय